हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आ गई ना आपकी एग्ज़ाम, कैसे लग रहा है? बहुत एक्साइटिंग लगना चाहिए क्योंकि हमने अच्छी पढ़ाई की हुई है। आपको क्या, मुझे भी एक्साइटिंग लग रहा है। ऐसे लग रहा है आपके साथ मैं भी आ जाऊँ एग्ज़ाम के लिए। ऐसे तो हो नहीं सकता है, तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग जाना एग्ज़ाम के लिए, अपियर होना और मुझे बताना कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है ना, बताओगे ना? चलो आज एक प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेते हैं। केमिस्ट्री सेक्शन से लिया हुआ प्रैक्टिकल है। प्रोसीजर काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसको हमने शॉर्ट में कर लिया है। तो कुछ इस तरीके की असेंबली रखी हुई रहेगी, उसमें फनेल है, फनेल में फिल्टर पेपर रखा हुआ है देखो, और फिल्टर पेपर में एक्टिवेटर चारकोल रखा है, ऐसे उन्होंने कहा है। और यहाँ पर ये असेंबली में यहाँ पर बीकर रखा हुआ है, नीचे आपकी जो असेंबली होगी वहाँ पर टेस्ट ट्यूब होगी, इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, टेस्ट ट्यूब होगी नीचे और इस तरीके की असेंबली लगाई हुई रहेगी। अब इसमें दूसरे एक बीकर में आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा जो काफ़ी गंदा होगा, और ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको यहाँ से ऐड करना है वो अलग वाला सोल्यूशन। एंड उसके बाद आपको जो नीचे फिल्टर होके सोल्यूशन मिलेगा उसका कलर ऑब्जर्व करना है। आर यू गेटिंग? तो बीकर नहीं, टेस्ट ट्यूब में मिलेगा, तो वो कलर ऑब्जर्व करना है और जो सोल्यूशन आपको फिल्ट्रेशन के लिए दिया गया है उसका कलर ऑब्जर्व करना है। मतलब क्या, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सोल्यूशन बिफोर फिल्ट्रेशन एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ सोल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन। गॉट इट? ये प्रोसीजर है। फिर देखो, ऑब्जर्वेशन टेबल एकदम सिंपल है हमेशा की तरह। टू स्टडी द चेंज इन कलर एंड स्मेल ऑफ अ गिवन सोल्यूशन। ठीक है, तो बिफोर फिल्टरिंग द सोल्यूशन, कलर ऑफ सोल्यूशन जो भी होगा, कुछ डर्टी कलर होगा तो देख लेना आप, जो कलर होगा वो लिख देना, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू, ब्लूइश ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक, जो भी है इस तरीके का डर्टी कलर वहाँ पर होगा वो लिख देना। और उसकी स्मेल भी बहुत गंदी आती होगी, तो यहाँ पर वैसे नहीं पूछा है द सोल्यूशन हैज स्मेल या नो स्मेल, तो स्मेल इतना लिखना है। और आफ्टर फिल्टरिंग द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम चारकोल से उसे फिल्टर कर रहे हैं, एंड देर वुड बी नो स्मेल आफ्टर फिल्टरिंग द सोल्यूशन। ठीक है, तो वो अच्छा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन टेबल, बस ये चार चीज़ें यहाँ लिखनी हैं। और हमने बात की है, वैसे कहानी लिखते बैठनी नहीं है, बस एक एक वर्ड हमें लिखना है। गॉट इट? आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस चेंजेस द कलर एंड स्मेल ऑफ द गिवन सोल्यूशन। तो ये जो भी प्रोसीजर हमें बताई गई है और हमें जो सिलेबस में है उसके हिसाब से, ये फिल्ट्रेशन का प्रैक्टिकल है और पानी को एक्टिवेटेड चारकोल से फिल्टर करते हैं। देखो, फिल्टर जो वाटर प्योरीफायर्स होते हैं उसमें भी ये यूज़ किया जाता है, तो ज़रूर ये होना चाहिए एक्टिवेटेड चारकोल। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबाउट चेंज। अबाउट चेंज मतलब शुरू में पानी गंदा था, बाद में हमने उसे फिल्टर किया तो हमें साफ पानी मिल गया। तो ये जो चेंज हुआ, तो इस चेंज के लिए चारकोल की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? गॉट इट? तो प्रॉपर्टी है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मतलब बस बाहर की तरफ वो अटैच हो जाएगी, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं अंदर नहीं चली जाएगी, चारकोल के अंदर नहीं चली जाएगी। सो दिस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन, AD, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए ये और भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी शेयर कर रही हूँ। ये ओडरलेस है, टेस्टलेस है, एंड इट इज़ इनसोल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इस वजह से इसको हम फिल्ट्रेशन के लिए, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
फिर देखो सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट टू यूजेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन डेली लाइफ। तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी नाम दे दिया है, तो ऐसे थोड़े से देखना, वहीं पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ, क्वेश्चंस देखना, ये सब स्मार्ट वर्क है बेटा, ये करना है आपको और ये करने के लिए ही जा रहे हो आप। तो इसका आंसर है इन वाटर फिल्ट्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो यूज इन वुंड ड्रेसिंग। गुड, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज मेनली प्रेजेंट इन एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये कार्बन का बना हुआ रहता है एंड हेंस द आंसर इज कार्बन। गॉट इट? तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो सॉल्व करने ज़रूर आएंगे, मगर शांति से पढ़ना, फोकस्ड रहना, साइड वाले की तरफ देखते अपना समय मत बर्बाद करना। हाँ ठीक है, तो चलो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आपकी तरफ से बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हो, वैसे ही प्रिपेयर करो, कल का एक दिन है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।